हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता बनाने के लिए लिए है मैंने दो बड़े बैंगन, और उनको मैंने रख दिए है गैस ऑन करके बर्नर के ऊपर। जब ये बैंगन भुन जाएंगे तब हम इनको पील करके इनका भरता बनाएंगे। अब देख सकते हैं कि बैंगन एक साइड से भुन चुकी है और मैंने इनको पलट दिया। इसी तरह हम इनको पलटते हुए भूनते जाएंगे। जिस साइड से ये भून जाते हैं अच्छे से, उधर से हम इनको पलट देंगे। बैंगन को हमने भून कर छील लिया था, पूरी तरह से इसको मैंने पील कर लिया और ये मैश कर लिया है मैंने उन्हें। आप देख सकते हैं ये दो बड़े बैंगन जो हमने भूने थे, अच्छे से मैश कर लिया। और ये मैंने लिए हैं दो बड़े अनियन, और उनको भी मैंने कट कर लिए हैं। ये हमने लिया है गार्लिक, इसको मैंने बारीक बारीक लंबा लंबा काट लिया है। वैसे इसमें जिंजर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस वक्त, तो मैंने उसकी जगह ये ले लिया है। अदरवाइज जिंजर बहुत अच्छा लगता है, आप उसी को ही यूज़ कीजिएगा। और ये मैंने ले लिए हैं टमाटो, तीन टमाटर लिए हैं मैंने और उनको कट करके, और दो लिए हैं मैंने ग्रीन चिली साबुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। गैस के हमने ऑन और उस पर हमने रखे कढ़ाई को। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ कर रही, यहाँ पर मैं कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़। मैंने इसमें जीरा, कटे हुए प्याज और लहसुन डाल दिया है। अब हम इन्हें भून लेंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये कटा हुआ टमाटर। जब तक हमारे टमाटर भुनते हैं, हमने ये जो ग्रीन चिली ली थी तो इसको हम सेंटर से कर लेंगे कट। देखिए आप, इसी तरह हम दूसरे भी कर लेंगे। आप चाहें तो इस तरह साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा तीखी नहीं है इसलिए मैंने इसमें इसको बीच में से कट कर लिया है। हमारा ये तड़का भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से। अब हम कर देंगे इसको थिन, और इसमें डालेंगे हम सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, और रेड चिली, गरम मसाला। इस मसाले में मैं हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप एक बार हल्दी को इस तरह से स्किप करके देखिएगा बैंगन के भरते में, तो आपको कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत यूनिक मिलेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने वो हल्दी वाला भी बनाया, लेकिन जब से मैंने ये वाला बनाना शुरू करा है तो सब लोग वाकई बहुत तारीफ करते हैं और इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मसाला अच्छे से भुन चुका है और अब हम इसमें ये मैश किया हुआ बैंगन जो है उसको डाल देंगे। बहुत अच्छे से मैश करना है और बहुत अच्छे से ही भूनना है, कहीं भी ये ज़रा सा भी कच्चा ना रहे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे और लो फ्लेम पर। एक बार हम बीच में चेक कर लेंगे। काफ़ी अच्छे से पक रहा है और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है, पिंक और ब्राउन से शेड है। पाँच मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको बस चेक करते हैं। बहुत अच्छा से बन चुका है हमारा भरता। इसको 1 मिनट के लिए हम बिना ढके ही पकाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टीम है इसमें वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे वो कटी हुई साबुत मिर्च।
ये हल्का सा पक जाएगी इसमें। पांच मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको बस कर देते हैं। बहुत अच्छा से बन चुका है हमारा पुट्टा। इसको एक मिनट के लिए हम बिना ढके ही पकाएंगे ताकि जो एक्स्ट्रा स्टीम है इसमें वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे वो कटी हुई साबुत मिर्च। ये हल्का सा पक जाएगी इसमें। एक मिनट तक हमने बिना ढके पकाया और ये देखिए एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल इसमें से सूख चुका है और ये बहुत ही सुंदर इसका कलर भी आया है और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से ये पक भी चुका है। गैस को कर देंगे ऑफ। फ्रेंड्स ये हमने कर लिया है एक बाउल में ट्रांसफ़र। भरते का कलर भी बहुत अच्छा आया। इसको मैंने गार्निश किया है ग्रीन चिली और ग्रीन करिएंडर से। आपको ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में बहुत अच्छी है और भरता बहुत टेस्टी बना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।